नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक की एक रेसिपी बनाएंगे, उसे अलसी चटनी पाउडर, फ्लैक्स सीड चटनी पाउडर कहते हैं, और साथ ही इसे कर्नाटक में अगासी चटनी पुडी कहा जाता है। यह बहुत ही टेस्टी होता है और न्यूट्रिशियस होता है। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और साथ ही सफिशियंट मात्रा में इसमें फाइबर भी पाया जाता है, इस जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो चलिए हम इस बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, इसमें हम 4 चीज जो लेंगे वो बराबर मात्रा में लेंगे। पहला है फ्लैक्सीड अलसी का बीज 3 बड़ा चम्मच, 3 बड़ा चम्मच धुली उड़द दाल सफ़ेद, और 3 बड़ा चम्मच चना दाल, और 3 बड़ा चम्मच नारियल, सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ या सूखा नारियल का बूरा, और 8 साबुत इस तरह से लाल मिर्च जो अच्छी तीखी होती है, 2 बड़ा चम्मच तेल, 2 बड़ा चम्मच इमली का पल्प गूदा, जिसको मैंने पानी में, सूखी जो इमली है उसको पानी में भिगा लीजिए गर्म पानी में, और उसे अच्छी तरह से मैश करके एकदम गाढ़ा जो है इसका पल्प जो है निकल जाता है, उसे छान कर निकाल लीजिए। और नमक स्वाद के हिसाब से 1/4 छोटा चम्मच हींग और 2 बड़ा चम्मच करी पत्ता। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आइए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके इसके ऊपर एक पैन रख ली हूँ। अब जैसे ही ये पैन गर्म हो गया है और इसमें जो है हम सबसे पहले ये फ्लैक्स सीड डाल देंगे, अलसी का बीज डाल देंगे, चना दाल डाल देंगे, और ये उड़द की दाल डालेंगे, और इसे हम सिर्फ बिना ऑयल डाले जो है हम इसे पहले रोस्ट कर लेंगे कुछ मिनट तक, हम इसे कुछ सेकंड्स तक जो है आप बोल सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम में कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तीनों चीजों को हमको मिलाकर रोस्ट करना है, और इसमें जो है नारियल का भूरा और ये तीनों चीजें जो है बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए जो है, तब जो है इसका जो है ओरिजिनल और अच्छा टेस्ट जो है आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ को जैसे हम स्किप कर दें या कम डाल दें तो उससे जो है हमारी जो चटनी तैयार होगी वो उतनी टेस्टी तैयार नहीं होगी। इसलिए जो है आप जो है जब भी बनाएं इसकी क्वांटिटी जो है वो उसको जो है बराबर मात्रा में रखें और सही मात्रा में रखें। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से जो है, ये देखिए अलसी का जो बीज है, फ्लैक्स सीड है, वो चटकने लगा। अब जो है इसमें हम गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे। अब मैं यहाँ पे बीच में जो है इसको थोड़ा सा हटा लेंगे इस तरह से, और बीच में जो है मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, और ऑयल डालने के बाद जो है इसमें हम पहले करी पत्ता डाल देंगे, और करी पत्ता डालकर जो है इसे हम अच्छी तरह से करी पत्ते को इसमें फ्राई करेंगे ताकि जितना भी इसका मॉइस्चर है वो निकल जाए। ये देखिए अच्छी तरह से ये चटकने लगा जो है, और इसका मॉइस्चर जो है निकल जाएगा ये थोड़ी देर में। तो जब हम चटनी पीसेंगे तो हमारी चटनी जो है बहुत ही अच्छी से अच्छे तरह से बनेगी। अब जो है मैं लाल मिर्च भी जो है इसमें डाल दूंगी, इसे भी हम इसी तरह से जो है इसको अभी से, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि करी पत्ता से, आप सब जानते हैं कि करी पत्ता से बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है और स्मेल आती है। अब इसे हम अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे। अब मैं जो है इसमें हींग भी डाल दूंगी, 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग डालेंगे। यदि आप अधिक हींग खाना चाहते हैं तो हींग की मात्रा जो है आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है नारियल का भूरा भी डाल दूंगी,
नारियल का बूरा हम लास्ट में डालेंगे और सबसे लास्ट में जो है हम इसमें इमली का जो है पल्प डालेंगे। सब चीज़ें डल चुकी हैं, अब इसमें जो है मैं एक छोटा चम्मच जो है नमक भी डाल देती हूँ। आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से करिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम में कर दिए हैं, सिम से मीडियम में आ गए हैं और सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं, इससे आवाज़ भी आ रही है। अब जो है इसमें जो है मैं इमली का पल्प डाल दूँगी और अच्छी तरह से हम इसे चलाएंगे। इस तरह से जल्दी से हम इसको चलाएंगे फटाफट जो है। और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, गैस बंद हो चुका है। अब सारी चीज़ें जो है इसमें मिल गई है। जैसे ही ये ठंडा होगा, ये मिक्सी के जो है ग्राइंडर में जो है जार जो है उसमें जो है मैं इसको डालकर जो है पीस लूँगी और जब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए बढ़ते हैं। जैसे ही ठंडा होगा हम इसे पीस लेंगे। आइए अब हमें सारे जो हमने तैयार किए थे मिक्सचर उसे जो है चटनी का, उसे हम ठंडा ये हो गया है इसे हम मिक्सी के जार में डालकर जो है पीस लेते हैं। देखिए हमारी चटनी पीसकर तैयार है, इसे मैं निकाल कर जो है आपको दिखाती हूँ। इसे हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। अब ये देखिए हमारा ये चटनी जो है पीसकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। इसे मैंने दो किस्त में पहले अलग अलग करके पीस ली हूँ, फिर दोनों को इकट्ठे मिलाकर जो है पीस ली हूँ, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में हो गया था तो एक साथ नहीं पीस सकता। ये देखिए हमारी ये बहुत ही टेस्टी जो है अगासी चटनी पुडिंग, फ्लैक्स सीड चटनी, अलसी के बीज की चटनी जो है बनकर जो है तैयार है। ये कर्नाटक की बहुत ही फेमस जो है रेसिपी है, आप इसे अवश्य ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डाल रखी हूँ उसमें विजिट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।